स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नए YouTube वीडियो में। और आज मैं कलंगुट और बागा के बारे में करंट अपडेट देने वाला हूं कि कलंगुट बीच पे वाटर एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ, बागा बीच पे वाटर एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बीच से कैसे हैं, गोवा के होटले के प्राइस क्या है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं फिर, आज हम कलंगुट और बागा बीच के करंट माहौल को देखते हैं। तो अभी हम कलंगुट बीच का मेन बीच का एंट्रेंस पे है और ये लोग देखिए अभी बहुत सारे लोग बीच पे जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। और मैं यहाँ से अभी आपको लेकर चल रहा हूँ बागा बीच, जो बागा बीच का पूरा करंट स्टेटस आपको दिखाऊंगा, मार्केट का एरिया दिखाऊंगा और कौन से बीचेस पे कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में आपको डिटेल से बतलाता चलूंगा। तो ये अभी हम बागा बीच के लिए निकल रहा हूँ और ये सामने देख सकते हो कितने सारे लोग बीच पे जाने के लिए, कितने लोग फैमिली कपल्स हैं, बैचलर ग्रुप से बीच पे जा रहे हैं। तो ये सामने हम बागा बीच की तरफ से जा रहे हैं और ये सामने में आप देख सकते हो टैटू शॉप, ट्रैवल एजेंसी एंड बाइक और रेंट, ये सारे खुले हुए हैं। अभी मैं टिटोस लैंड की तरफ जा रहा हूँ और मैं आपको टिटोस लैंड का भी माहौल दिखाता हूँ कि कैसा टिटोस लैंड में क्राउड है। और ये सामने देखिए होपन हॉप अप का बस भी जो बहुत दिन से बंद थी वो स्टार्ट हो गया गोवा में और इसका भी आप बुकिंग ले सकते हैं सफर ट्रैवल में कॉल करके। अभी टिटोस लैंड में आप देख रहे हो और ये टिटोस लैंड है। आप जब इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम में आओगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है। तो इस लैंड में अभी मैं दोपहर के 12 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा कम क्राउड है इस लैंड में, लेकिन आप नाइट लाइफ के लिए, ये गोवा का फेमस स्ट्रीट है, गोवा के बहुत सारे क्लब इस लैंड में है और टिटोस जो गोवा का बहुत ही फेमस क्लब है वो इसी लैंड में आगे चलकर टिटोस क्लब है। तो ये कलंगुट बागा रोड है, कलंगुट बागा, ये बागा की तरफ हम जा रहे हैं और देख सकते हैं ग्रेट पंजाब एंड बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी एंड बहुत सारे काजू शॉप, ये सारा मतलब इस लैंड में ओपन है। और ये आप तो सामने देख सकते हो जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सेंट एंथोनी रेस्टोरेंट है जो बहुत ही गोवा का फेमस रेस्टोरेंट है। तो अभी मैं बागा बीच पे हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे क्राउड है। गोवा आज 2 अक्टूबर होने के कारण गोवा में एकदम बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ गए हैं। गोवा के पूरे होटलें फुल है, पूरे एक्टिविटीज फुल चल रही है, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा क्राउड है। तो इस सीजन में आप अगर आना चाह रहे हैं ये 2-3-4 दिन के अंदर, तो आप कुछ भी होटल्स आप बुक करके आए, एक्टिविटीज आप बुक करके आए, वरना यहाँ पे होटल के लिए बहुत सारे गेस्ट को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आज मौसम पूरे तरीके से गोवा का खुला हुआ। आप बागा बीच पे अभी मैं प्रेजेंटली और आप देख सकते हो बागा बीच का मौसम एकदम से खुशनुमा है और एकदम बागा बीच पूरे तरीके से क्राउड है, पूरे गर्दी से भरा हुआ है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारा बीच पे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
तो बागा बीच देखने के बाद मैं अभी कैलंगुट का एक हिडन बीच है, हॉलीडे स्ट्रीट से जाना होता है इस बीच पे, वहां पे जा रहा हूँ और उस बीच पे देखता हूँ कैसा क्राउड है, क्या वाटर एक्टिविटीज हो रही है, उस बीच के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही मतलब कम क्राउड वाला बीच है, तो आपको लेकर चलता हूँ कैलंगुट का एक हिडन बीच हॉलीडे स्ट्रीट से कैलंगुट बीच पे। जी अभी मैं कलंगूट बीच पे हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस बीच पे कलंगूट बीच पे इतना ज्यादा क्राउड क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कलंगूट बीच का ही पार्ट है, ये हॉलीडे स्ट्रीट जो डिकैथलन मॉल से सीधा बीच के साइड रास्ता आती है ये वाली बीच है, और यहाँ पे हमेशा कम क्राउड होता है। अभी मैं आपको कलंगूट मेन बीच पे लेके चलूंगा जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड होगा, बहुत ही ज्यादा रश होगा, और इस बीच पे आज भी बहुत ही कम क्राउड है, लोग अब आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस बीच पे आने के लिए आपको डिकैथलन मॉल से सीधा हॉलीडे स्ट्रीट के क्रॉस करते हुए आपको इस बीच पे आना होगा, और ये बीच हमेशा मतलब क्राउडलेस हमेशा बीच ये रहते हैं। अभी मैं कलंगुट मेन बीच पे आ गया हूँ, आप देख सकते हो कलंगुट मेन बीच का नजारा है। अभी हाँ यहाँ पे वाटर एक्टिविटी चालू हो गया कलंगुट बीच पे, अभी पैरासेलिंग, जेट स्की राइड और स्पीड बोट राइड, ये तीन राइड है चालू हो गया, जो एक्चुअली जून में बंद हो गया था मॉनसून के बाद। ये पहला सीजन है जो अभी स्टार्ट हो गया, ये तीन राइड तो आप बुक कर सकते हैं बिल्कुल, कलंगुट बीच पे चालू हो गया वाटर स्पोर्ट्स।